ये हैं तेजाबी टोटे और कई मजाहिया फिल्में बनाने वाले डबिंग मास्टर शकील राजा, जो गुज़श्ता 20 साल से डबिंग कर रहे हैं और 6 से ज़ायद आवाजें निकाल लेते हैं। मेनू तो दसो मैं किहड़े पासे जावां। अब्बा तो चुप पकड़ के गड्डी च बह ते गड्डी दे चारे टायर खोल दे ताकि स्पीड ना दौड़े। मेरा दिल करदा अपना मुंह ला के ना राजा शकील नूं फड़ा दवां। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुहाडा होस्ट काका रिपोर्टर ते तुसी देख रहे हो उर्दू पॉइंट। नाज़रीन आज साडे नाल मौजूद ने पॉइंट शकील राजा, तुसी इन्हां नूं जानदे हो। ऐसी किस्म दी नाज़रीन डबिंग करदे आ कि तौबा। नाज़रीन आपने सुना होगा कि तेज़ाबी टोटे हुण तेज़ विच, ते नाल नाल इह वी सुणिया होणा वा मिठे गाओ हम ते परा कर दियो दागी, हुण फिर आ गया जे पंजाबी। इन सब के पीछे जो आवाजें होती हैं वो राजा साहब की होती हैं। गुज़श्ता 20 सालों से डबिंग कर रहे हैं। मेनू तो दसो मैं किहड़े पासे जावां। अब्बा तो चुप करके गड्डी च बह ते गड्डी दे चारे टायर खोल दे ताकि स्पीड ना दौड़े। और तुसी सारे ने डब्बे चुके होए, मैनू टैची केस चुकाया होया। बेटा टैची केस नहीं कहीदा इहनू, उहनू दा पट्ठा पेटी पेटी कहीदी। आइए इनसे बात करते हैं कि ये कैसे डबिंग करते हैं, आमद कैसे होती है और ये शेर व शायरी कैसे करते हैं, कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम, सब शुक्र है अल्लाह पाक दा, जेड़ा वेला नंग गया जी। जेड़ा नंग गया ओकड़ा वापस आना है? कदे भी नहीं जी, ना नंगण वाला वापस आंदा जी। ना बुलाओ मैं आ जाऊंगा। तुसी मैं तो बल्कि ये कहांगा कि मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि तुसी आए हो, क्योंकि काका रिपोर्टर एक नाम ऐसा है कि वो मैं अक्सर देखिया कि तुसी जिन्हां भी गए हो ना, वो प्रोग्राम की रेटिंग कुछ होर हुई है, उस प्रोग्राम स्पेशल मैं देखे। राजा साहब इतनी आवाज़ें डबिंग और ऊपर से आमद यार का सिलसिला, जी जी, ये कब शुरू हुआ? आमद जड़ी है मेरे ऊपर तुसी कह लो कि तकरीबन कोई 20-22-23 साल तो अल्लाह पाक दा करम है। मैं टीवी चला के तो मैं एक इंग्लिश फिल्म लगाई है, तो मैनू आवाज़ आई अपने मेरे दोस्त की कि यार प्लीज़ थोड़ी आवाज़ कम कर ला, असीं गल्लां कर रहे हैं। अच्छा मैं बंद आवाज़ करके देख रहा, तो वो उस दौर से सीढ़ियाँ बहुत अड़दियाँ होंदियां सी, अक्सर अड़ जानी सीढ़ी तो फिर लवाउन जांदे सी। हाँ बाप एकदम वो मतलब सीन अड़िया, फिर वाइंड होया, अच्छा फिर प्ले होया, फिर उत्थे आके फस गई सीढ़ी। अच्छा वो दोस्त फारग होए, इन शॉर्ट स्टोरी है कि वो दोस्त चले गए ने, तो मैं उन्होंने आंदे नूं कहा, वो लड़का सॉफ्टवेयर जरा थोड़ा स्पैशलिस्ट सीगा, उस टाइम मेरा कंप्यूटर वाबस्ता नहीं सीगा, मैं आंदा सी कंप्यूटर लेकिन इस तरह नहीं। अच्छा उन मैं यार के ऐ नहीं हो सकता कि मतलब ऐ डी सी डी फसदी पई है, आप रिकॉर्ड कर लिए। कहिंदा की करना है? मैं यार एक मैनू माइक दे दे, तो सी डी ना रिकॉर्ड जी चलती पी फस जाती है, इदा ही आप रिकॉर्डिंग ना लैनी। अच्छा वो टीवी कार्ड लगा हुआ सी, उन्हें टीवी कार्ड लगा के तो वो रिकॉर्डिंग करके मैं लाइव माइक दे दिता ना। अच्छा अच्छा वो सीन आवे फसे, मैं बोलना शुरू कर दिता। अच्छा अच्छा वो डब करते करते ये होया कि उन्हें क्या यार ए तो कोई ये तो कोई गल ना हुई, मैं कहा तू चैनल बदल दे। अच्छा अच्छा उन्हें चैनल बदलिया तो फुटबॉल का मैच लगा सी। अच्छा, अच्छा फुटबॉल के मैच की कमेंट्री शुरू हो गई। अच्छा वो मैच खत्म होया तो उस तो बाद कार्टून एक लगे हुए थे, कार्टून से एक मरीज एक लेटिया हुआ सी, तो आदत वास्ते एक मरीज आया हुआ अपना बंदा आया हुआ सी, तो हाल चाल पूछ रहा है। मैं लाइव कोई 8-10 चैनल के उपर लाइव, मैनू नहीं पता अगो सी किन्ना किन्ना नहीं, बगैर देखियो मैं उत्ते डब करता गया। अच्छा वो डब करने बाद असं रिकॉर्ड किया, खुद देखा, हसे, बड़ा मजा लिया। मैं फैसलाबाद घर आ गया, उस तो बाद जो पंजाब यूनिवर्सिटी के दोस्त आए थे, उन्हें रिकॉर्ड करके उन्होंने वो क्लिप एक एक करके ना मोबाइल से दे देता। अच्छा वो कितने यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी गया, तो उन्होंने उतों करते करते मैं 5वें दिन कॉल आई है उसे मेरे दोस्त की कि यार तू इत लाहौर आके देख कि जो आप रिकॉर्ड किया कि की हाल बनया, इतने तो बहुत ज़्यादा वायरल होया। मैं क्या की उन्हें मैं क्लिप सेंड किया, फिर खैर उस बाद असं गए, उस बाद जाने तो बाद इस चीज़ में एक हतमी शक्ल दी गई कि यार एक ऐसा काम करिए जिद प्रॉपर ना डब हो, तो फिर वो बट पट्टी स्टार्ट जी फिल्म सी, वो फिल्म शुरू हुई उसकी स्टोरी, फिर ये वो, फिर उतो कम स्टार्ट ऐसी स्टार्टिंग। अच्छा तो ये काम असी करते गए करते गए करते गए और इस काम से कोई 8-10 साल लंघ गए, मतलब असी को बेशुमार पॉपुलर टीवी चैनल से भी काम किया, और होना कि असी इकट्ठे चैनल से जा रहे जिन्ना रस्ता है, शर्त यह रख लानी कि पिछों जी गड्डी आएगी वो जी नंबर प्लेट आते उत्ते जुगत करनी है। अच्छा तो 3 सेकेंड साढ़े कोल होंदे सी, अगर नहीं जुगत आई तो असी फारग। मतलब इस टाइप दी ट्रेनिंग चलदी रही, अल्लाह पाक दा करम है जी। राजा साहब थोड़ा सा अदबाना गुजारिश कलाम आपसे करते हैं जी, जी। आपको आमदे यार का सिलसिला काफ़ी होता रहता है, बल्कि होता ही वो है आपको, ये शेर व शायरी का शौक कहाँ से आया? क्योंकि आप फिक्रे को ऐसे ही पकड़ते हैं और मुसलसल जबर करते हुए उस लाइन के ऊपर और आगे ही निकल जाते हैं और रोन देते हैं हर चीज़ को।
अच्छा शायरी का शौक नहीं मैनू होया अच्छा क्योंकि ये गल मेरे वास्ते मनने बल नहीं हैगी असल च मेनू शायरी ना लगाओ सची मुची बहुत ज्यादा है और मोस्टली हो गया अजकल स्पैशली ये हो जाता कि मैं स्पैशली दिल करता हूँ सही शायरी करने ना अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ा मेरे को लिखिया पी बड़ी बड़ी अच्छी गल भी किस टाइम वो निकल जाती है तो वे दो चार जुमले ऐसे निकल जाते हैं कि शायर लोग सची समझते हैं कि यार बहुत अच्छी गल हो गई लेकिन अगों जाके फिर पता लगता कि नहीं ये वो ही है राजा साहब कंडीशन तो कर लें शायरी फोरन कंडीशन आ गई है तुम कर दी मेरा ख्याल इंज कोई सोचते नहीं समझते नहीं गए तो छाल मार देने शायरी इस कोई सोचने वाली गल नहीं हैगी ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਚਲੋ ਕਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਬੈਠਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਮ ਭਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਮ ਭਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬਸ ਦਮ ਭਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ ਘਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮ ਭਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਤਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਡਰਮ ਭਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਦਮ ਭਰੇ ਨਾ ਭਰੇ ਡਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਤਾ ਭਰ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਆਧਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਹਾਏ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਭਰਾਂਗੇ ਦਮ ਭਰਾਂਗੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈ ਕਰ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਾਹ 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 ਖਿੱਚੋਗੇ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਛਾ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ 1-2-5 ਲੈ ਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ 1-2-5 ਲੈ ਗਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਡੋਲੀ ਬੈਠੀ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਡੋਲੀ ਬੈਠੀ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਦੇ ਬਾਂਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਭੋਰੀ ਜਿਹੀ ਗੰਗੂਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕੇ ਨੁੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਲੁਪਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵਾਹ ਤੇ ਕੁੱਪੀ ਚੈਣ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾਠੇ ਛੋਟੇ ਕਰਾ ਬੈਠੀ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਕਿਸ਼ਤ ਬਹਾਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪਾ ਲਏ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਬੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾਹ 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 ਕਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਦਬ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਦਬ 'ਚ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਚਲ ਜਾਓ ਫੌਰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅਦਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਅਦਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਏਗੀ ਜੀ 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 ਅਦਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੁਸਮੇ ਖਾਕ ਹੀ ਰਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਬਸ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵੋ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਹਿਮ ਹੈ ਰਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸ ਅਕਸਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਫ ਤਰਾਸ਼ਤਾ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਕਲਮ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤਰਾਸ਼ਤੀ ਹੈ ਵੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹਿਮ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਮ ਪਹਿਮ ਉਸਕੇ ਰਕਸੇ ਰੁਖਸਾਰ ਹੂੰ ਵੋ ਕਲਮ ਹੈ ਕਿ ਆਬੇ ਆਬਸ਼ਾਰ ਹੈ ਵੋ ਅਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਵਾਰੇ ਯਾਰ ਹੈ ਵਾਹ ਵੋ ਰਕਸ ਥਾ ਤੋ ਮੇਰਾ ਜਨੂਨ ਥਾ ਵੋ ਖੂਨ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰਾ ਨਕਾਸ਼ ਰਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਬਗੈਰ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਡਬ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਡਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਸਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾੜ ਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਮਰੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਹੈ ਵਾਹ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲੋ ਇਹ ਸਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਓ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗ ਕਰਦਾ
मेरा दिल करता अपना मूंह ला के ना राजा शकील नूं फड़ा देवां। मरो मैं गया मेरे नाल शकील साहब बैठे ने लेकिन मैनू ये लगा कि तुसीं आ गए। वाह 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 वाह। ते अजकल अपना टाइम दे रहे हो आ तुसीं मिक्सर भी रखे माशाल्लाह इहदे च की मिक्स कर लैंदे हो शेक वगैरह भी बन जांदा इहदे च कहिंदा मैं मूंह दे के ते उहदे च उहदे कलर ग्रेडिंग करदा रहिंदा। ये मतलब मिक्सर एक हिस्सा है स्टूडियो का, बाकी काम सारा इत्थे हुंदा। शौक जो फरमाना होवे उदों अपना शौक भी फरमा लेना। वाह वाह वाह। ते मतलब रूहदारी भी रखी है। हाँ रूहदारी भी रखी है, मजेदारी भी रखी है। फिर किस टाइम बंदा काम करता आके जाता ना यार। वैसे अपनी बरादरी की है मुगल आसी नाल शुगल तुसी सारे दूजे रखे ये काम मुगला तो शुरू होया से। तुसी मैनू पूछो तुसी कौन हो? राई। ओहो मैं फिर एवं तुहानू कोल्ड ड्रिंक दे नाल बिस्कुट मंगाते तुहानू चाहिए नाल गंडे खाने। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬਰੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਰੂਹਦਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਆਪੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਂਗਲਾਂ ਆਪੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੈਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲਾਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰਾਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੈਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਰਾਚੀਓਂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ। ਹਾਂ। ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਅਬੂ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫੋਲੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸੁਰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੁਰ ਖਿੱਚਿਆ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ।